हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ अपने टेम्पो को लेकर, क्योंकि आज नंबर प्लेट लगवाना है, तो अभी चलते हैं नंबर प्लेट लेते हैं। कौन सा नंबर आया मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अभी हम जा रहे हैं टेम्पो लेकर, नंबर लगवाते हैं महिंद्रा में जाके, जो यहाँ पे थोड़ा नज़दीक ही है, बहुत दूर भी नहीं है। और अभी स्टेशन नंबर भी लिया है हमने, वो भी आपको दिखाते हैं। आपको इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसकी टॉप स्पीड आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 80 तक जाती है, 80-82 तक जाएगी, बहुत बहुत तक, इससे ज़्यादा नहीं जाती। पूरे एक्सीडेंट दे दिया है तो भी इतनी जा रही है, देखो इससे ज़्यादा नहीं जा रही है। अभी हम पहुंच गए महिंद्रा शोरूम के आगे, ये थोड़ा ही दूर है यहाँ से, चलते हैं देखते हैं आपके कौन सा देखा दिया आपको कि कौन सा नंबर आया है। नंबर भी बहुत अच्छा आया है। यहाँ से अभी हम ऐसी कमांडिंग इसकी पोजीशन है कि हमको आगे का बोनेट नहीं दिख रहा है, देखो ऐसा करके दिखना पड़ता है आपको ऊपर जाके। अरे ऐसा बैठने का इसमें ऐसा है कि हमको पूरा बोनेट नहीं दिखता है, ऐसे जजमेंट रहता है कि इतना दूर होगा गाड़ी आगे का। जब अभी हम महिंद्रा शोरूम के पास पहुंचने को आए, आ गए देखो यहाँ से फटाफट अंदर जाते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। देखो पूरा स्टॉक है, 9 स्कॉर्पियो एंड थार सब खड़ी है पे। ये अल्टुरस भी है, देखो एक्सीसी ना बोलो, यहाँ पे हमको अभी पार्क करना है। यहाँ देखो अभी की कुछ ऐसी दिखती है हमारी गाड़ी, जो हमने पीछे ट्रॉली वो बनवा दिया है पूरा बॉडी उसका। और ये देखो बोलेरो में भी नया सिंबल आ गया है, पर अभी टेम्पो में नहीं आया है। अभी फटाफट से चलते हैं अंदर, वहाँ पे इधर के नंबर लगाते हैं और प्रोसेस पूरी करते हैं सब। अभी यहाँ पे बैठे हम लोग अंदर, क्योंकि यहाँ से जो पीछे का टेम्पो में जो बॉडी बना है उसका सर्टिफिकेट लेना है, तो मेरे को वेटिंग रूम में बैठने को बोला वो भाई ने, देखो वो कुछ काम कर रहे हैं, तो अभी मेरे को बोला कि यहाँ पे बैठो आप, तो अभी वो लेके जाएंगे बाद में और नंबर भी लगवाएंगे बाद में। देखो यहाँ पर सर्विस स्टेशन इसका पीछे सब गाड़ियाँ खड़ी हुई है। चलो अभी यहाँ से करीब आधे घंटे के बाद ये सर्टिफिकेट मिल गया है, तो अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी ये नंबर प्लेट आ गई है, तो अभी हम लगाने जा रहे हैं। तो इसका पीछे स्टिकर भी है, देखो अपने टेम्पो के बगल में स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो ने 4X+। अभी भैया अभी माप रहे हैं कि कैसा लगाना है, वो उसके बाद लगाएंगे आगे के सर भी नाप ले रहे हैं कि कहाँ पे होल करना है। ये मस्त लग रही है यार। अरे भैया गए वो मशीन लेने जो नंबर प्लेट लगाते हैं वो, उसके बाद आएंगे। देखो यहाँ पे सामने GSFC कंपनी है, उसका आवाज़ आ रहा है और वेदर देखो कितना मस्त हो रखा है। ये अभी भी इसमें नया लोगो नहीं लगा, देखो ये नई पड़ी है यहाँ पे टेम्पो, इसमें भी नहीं है, इसमें नया लोगो आ गया है। एक्चुअली 3W में आ गया, पर ये वाला मॉडल में नहीं है, अभी आगे होगा, ये इसमें है देखो नया वाला लोगो। कितने टाइम लगा थे वो, और ये देखो ये गाड़ी ओपन ही है यहाँ पे, और अंदर का लुक बहुत मस्त है यार, आवाज़ भी बहुत मस्त है उसकी, थर्ड डोर थड़ उसका। अभी ये भैया लगे जा रहे हैं देखो, और उस पर लगा भी दिए, होल भी लगा दिए। ऐसा दोनों जगह पे सेट कर देंगे आगे पीछे, और उसके बाद लगाएंगे कंप्लीट।
अभी यहाँ पर अंदर कुछ स्टिकर लगा रहे मैं तो टेम्परेचर नंबर निकल गया है फिलहाल। सरकारी पता सुन फाइनली अभी हमारे टेम्पो पे नंबर आ गया है। देखो यहाँ पे स्टिकर भी लग गया है और अभी हम जाएंगे घर पे, उसके बाद जिम भी जाना है। तो फिर भाई अभी राह देख रहे थे, चलो चलते हैं। जब भी हम यहाँ पे चाबी चालू करते हैं तब देखो नंबर दिखा रहे 188 तक, पर जाती है सिर्फ 81 तक। तो क्यों पता नहीं है, तीसरा नंबर भी तीसरा डिजिट का रख रखा है उन्होंने, कंपनी वालों ने, क्योंकि तीसरे डिजिट तक तीन डिजिट तक जाने ही नहीं वाली है गाड़ी कभी भी, 81 तक हाई स्पीड जाती है। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकल गए और महिंद्रा क्योंकि एग्जिट कुछ ऐसी जगह पे है तो हमको थोड़ा रॉन्ग साइड जाना पड़ता है यहाँ से। तो यहाँ से ऐसे हम जाएंगे, फिर बाद में वापस उस साइड जाएंगे अपने इस साइड, यहाँ से वापस। देखो ये टवेरा भी ऐसे ही आई है, यहाँ भी फुल ट्रैफिक लगा है। आप लोग कमेंट में बताओ कि यहाँ पे जब कहीं भी नंबर प्लेट लगाने जाते हैं तो कहीं वहाँ पे पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरे पास से वो भैया ने 50 रुपये लिया है इसके लिए। तो ऐसा तो उनकी मेहनत का दे देते हैं, ऐसा कोई नहीं, पर ऐसा मांगते नहीं है। फिर उन्होंने मांग के लिया है कि 50 रुपये दो ऐसा। तो फिर मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऐसा कभी लेते हैं पैसा कहीं, क्योंकि मैंने देखा तब तक नहीं लेते। अगर हमको एक्स्ट्रा जो फ्रेम आती है वो लगवानी है तो लेते हैं पैसा, बाकी अदरवाइज कुछ भी 1 रुपये नहीं लिया था पर उनके तरफ से कोई पता नहीं लिया है मेरे पास से। तो अभी फटाफट घर पर पक लेते हैं। देखो ये मगफड़ी कितने सारी है, ग्राउंडनट जो बोलते हैं वो बॉल आते हैं वो। ऐसे आवाज़ भी आता है जैसे हमारे कार में आता है, शेल्टर्स में मेरे को आता है इससे। ये गाड़ी जब चलाते हैं तब हेल्थी बहुत है, मतलब अपन जब बैठ बैठे हैं तो ऊपर नीचे पूरा हो जाएगा, ऐसे पूरा पेट अपना हिलता है, बस सब हिलता है ऐसा लगता है। क्योंकि इसमें आगे भाई वो सस्पेंशन नहीं दिया है, पार्टर दिया है इसके लिए। तो इसका कम नहीं छूटने का टाइम होता, देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, और आगे ऐसे सिंगल रास्ता हो रहा है, बड़ा कोई व्हीकल ना आ जाए इसके लिए ऐसा रखा है यहाँ पे। चलो अभी हम घर पहुंचने को आए, अभी बाद में मिलते हैं आपको जब जिम जाना है अभी उसके बाद। अभी मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर देखा है, देखो डोर का, इसमें भी डोर का इंडिकेटर दिया है। देखो जब हम डोर खोलते पता चलता है कि डोर खुला हुआ है, तो दूसरी सड़क का भी है कि नहीं दिखता वो, दूसरी सड़क का नहीं है सिर्फ एक ही सड़क है, देखो ये वाला ही दिखा रहा है। और यहाँ पे गियर का भी दिया है, गियर अप डाउन का, जब भी अप करना होता है तब मतलब कि दिखाता है इंडिकेटर यहाँ पे अप डाउन ऐसा, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इसका। अभी हम यहाँ पहुँच तो गए पर यहाँ पे कंपनी की चाबी ही नहीं मेरे पास यहाँ पे गेट की, तो अभी मेरे को मंगवाना पड़ेगा घर से। फवा को फ़ोन किया है पर अभी आएगा भाई लेके चाबी, तभी हम इसको अंदर रख पाएंगे और बाद में जाएंगे। जिम में आ गया
है।